मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। चंद्रयान 2 की सफलता पर इसरो को बधाई देते हुए नासा ने इसरो का मजाक उड़ाया था। इसको लेकर नासा ने कहा था कि चंद्रयान 2 को अपने डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए मिशन के कम्युनिकेशन के लिए सहयोग करने पर हमें गर्व है, जिसको लेकर भारत ने उसकी कड़ी आलोचना की। जिसके बाद नासा ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि हमने हमेशा से ही अंतरिक्ष खोज अभियानों में सहयोग देकर इस दौरान मिली सीख पर गर्व महसूस किया है। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के लिए चल रहे चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो गई है और माना जा रहा है कि आज यह स्पष्ट हो जाएगा कि थ्रेसा मे के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। काले धन को लेकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में लिखित बयान देकर बताया कि देश में काले धन का कोई अनुमान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए कुछ राजनेताओं को मिली CRPF की सुरक्षा कवर को घटा दिया है। इन नेताओं के नामों में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भी शामिल हैं। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक कमजोर विदेश मंत्री द्वारा इनकार से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री को देश को बताना होगा कि उनके और ट्रंप के बीच क्या बात हुई थी। और अब बारी है स्पॉन्सर वीडियो न्यूज की, जो रोजधन ऐप का है। अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम का है। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर पर रोजधन नाम का एक ऐप लॉन्च हुआ है। इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इनविटेशन कोड भरते ही आपके पेटीएम अकाउंट में ₹25 आ जाता है और अपना प्रोफाइल विवरण भरते ही कुल ₹50 हो जाते हैं। इसके अलावा रोजधन ऐप में आपको रोजाना तरह तरह के आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जिसे पढ़ने के बदले 5 से 20 कॉइन मिलते हैं। इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने पर 1500 कॉइन्स और आर्टिकल न्यूज शेयर करने पर 100 कॉइन और रैंकिंग शेयर करने पर 20 कॉइन मिलेंगे। और जैसे ही आपके अकाउंट में ₹200 हो जाता है, आप इसे अपने पेटीएम अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। इस तरह आप दिन में अधिकतम 5 बार विड्रॉल कर सकते हैं। इसलिए आप अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रोजधन ऐप के लिंक को क्लिक करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और इनविटेशन कोड में 06PCAPSXCAPSKCAPSNCAPS डाल दीजिए और घर बैठे पैसे कमाइए। केंद्र सरकार और असम सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में NRC का समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर आज सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आज फाइनल NRC की लिस्ट प्रकाशित करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग को हो रहे नुकसान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन समिति से 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन समिति से शिवलिंग क्षरण के साथ ही मंदिर के स्ट्रक्चर को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। संसद के मौजूदा सत्र को 10 दिनों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस संबंध में आज ही संसद में घोषणा कर सकते हैं। यूपी के बदायूं जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले लेखपाल शिव सिंह को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस साल देश में 33% कम बारिश हुई है, जिस वजह से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस संबंध में सांसद खेती किसानों को लेकर चिंतित है। इसको लेकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हालांकि अनियमित बारिश से पैदा होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सरकार तैयार है। इसके लिए केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ने देश के 648 जिले के लिए फसल आकस्मिक योजना तैयार की है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में पुलिस की गिरती साख के बीच पुलिसकर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने जा रही है, जिसके लिए DGP की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। आम्रपाली प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी और उसके मालिकों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ने के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उन्हें निशाने पर लेते हुए कहा कि सुशील मोदी घबरा गए हैं और इसी घबराहट में वे ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर नीतीश कुमार के चाय पीने भर से ही मोदी घबरा गए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के दौरान हुए व्यापम मामले से जुड़े नम्रता डामोर केस की सीबीआई दोबारा से जांच करेगी। आपको बता दें कि इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को नामंजूर करते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। आम्रपाली ग्रुप के 42,000 घरों के खरीदारों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश देते हुए इससे सारे अटैच प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम एनबीसीसी को दे दिया है। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टरों के लिए आने वाला समय ठीक नहीं दिख रहा है। दरअसल एक सर्वे में दावा किया जा रहा है कि 2019 से 2023 के दौरान इन सेक्टरों के जॉब क्रिएशन में 37% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। उपवास को भारतीय संस्कृति में काफी पवित्र माना जाता है, लेकिन हाल ही में उपवास को लेकर किए गए एक शोध के जरिए जर्मनी के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उपवास से शरीर पर कुछ वक्त के लिए असर पड़ता है, लेकिन बुढ़ापे की रफ्तार बेहद धीमी हो जाती है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नए कोच की तलाश की जा रही है और कोच चुनने की प्रक्रिया को पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की अगुवाई वाला चयन पैनल करेगा। फिलहाल टीम इंडिया का कोच बनने की होर में कई नाम हैं। हालांकि इस कड़ी में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धने भी शामिल हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म इंशाअल्लाह में दुबले पतले लुक में दिखने के लिए अपना वजन कम करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में आलिया भट्ट भी नजर आएंगी। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के तेरी मिट्टी गाने ने यूट्यूब पर 10 करोड़ व्यू का आंकड़ा पार कर लिया है। आपको बता दें कि तेरी मिट्टी गीत के गायक बी प्रेक और संगीतकार आर्को प्रोबो मुखर्जी ने अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। भाजपा की ओर से संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में आज संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। इस दौरान इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत भाजपा के अन्य नेता शामिल हुए। आम्रपाली बिल्डर्स से घर खरीदने वाले हजारों ग्राहकों के लिए राहत की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस बात पर फैसला सुनाएगा कि आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट को कौन पूरा करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक विधानसभा में सियासी ड्रामे का पटाक्षेप अभी नहीं हो पाया है। दरअसल कल देर रात तक चली विधानसभा के दौरान मतदान कराए बगैर ही विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश ने कार्यवाही स्थगित कर दी थी। ऐसे में अब आज फिर से विश्वास मत पर बहस होगी और उम्मीद है कि शाम तक शक्ति परीक्षण पर वोटिंग कराई जा सकती है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा अब प्राइवेट वाहन खरीदारों को नहीं मिल सकेगा, बल्कि इसके स्थान पर कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मिलेगा। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने मोटर बिल को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि नए मोटर बिल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैमरा व कंप्यूटर आधारित टेस्ट का प्रावधान किया गया है, ताकि इससे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक लग सके और सड़क यातायात को सुरक्षित बनाया जा सके। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपने पैतृक गांव चिंताम डाका के सभी परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए साफ किया है कि इस पैसे से ग्रामीण कुछ भी खरीद सकते हैं। वहीं बीजेपी ने इनके इस फैसले को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सुविधा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि सूबे के सभी गांवों को मिलनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने स्थानीय लोगों के लिए राज्य में नौकरियों के मद्देनजर इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एक्ट 2019 पारित किया है, जिसके तहत सभी औद्योगिक इकाइयों, कारखानों, संयुक्त उद्यमों के साथ साथ पीपीपी मोड की श्रेणियों में 75% नौकरियां आरक्षित होंगी। आपको बता दें कि प्राइवेट नौकरियों में 75% भागीदारी सुनिश्चित करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को दी गई Z+ सुरक्षा वापस लेने के लिए तैयारी कर रही है। इसको लेकर सूत्रों ने बताया है कि ऐसे कम से कम
कम 2 दर्जन अन्य VIP की सुरक्षा भी या तो वापस ली जाएगी या उसमें कटौती की जाएगी और इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश पारित किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि बिहार NDA में फूट पड़ गई है, जिसके बाद से राज्य में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि सभी अटकलों को खारिज करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2020 में होने वाले चुनाव को नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कुमार से 1 करोड़ रुपए के इस अनियमितता मामले में CBI के समक्ष पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करने के लिए प्लेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका पर 6 सप्ताह के भीतर सरकार को फैसला लेने को कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में उत्सव आयोजकों की एक शीर्ष संस्था दुर्गा पूजा समिति मंच को टैक्स का नोटिस जारी करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पूजा समितियों को आयकर के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाजपा इस मामले में राजनीति कर रही है। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में आई नेतृत्व अस्थिरता से इनकार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी अभी भी पार्टी के कप्तान हैं और भविष्य में भी रहेंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को खुशखबरी देते हुए अपने नेट बैंकिंग और लोकप्रिय मोबाइल एप्लीकेशन योनो सर्विस को दोबारा से बहाल कर दिया है। इससे पहले कई घंटों तक ऑफलाइन रहने के कारण बैंक के लाखों ग्राहक सेवा बहाल होने का इंतजार करते हैं। 4 दिन तक पेट्रोल के रेट स्थिर रहने के बाद 1 सप्ताह के बाद दूसरे कारोबारी दिन यानी कि आज पेट्रोल में फिर से तेजी आई है और इसके तहत आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 6 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 73.41 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है और डीजल की कीमत स्थिर बनी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने US प्रेसिडेंट ट्रंप के कश्मीर पर दिया गया ट्रंप का बयान अमेरिका के सिस्टम की खामी को उजागर करता है। व्हाइट हाउस में भारत और दक्षिण एशिया मामले के एक्सपर्ट बैठे होने के बावजूद ऐसे बयान वहां के सिस्टम की गलतियों को जाहिर करता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देशद्रोह चार्जशीट मामले में दिल्ली पुलिस को झटका देते हुए दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसलिंग राहुल मेहरा ने रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है। अपनी रिपोर्ट में राहुल मेहरा ने दिल्ली सरकार के JNU मामले में देश के खिलाफ बगावत वाली चार्जशीट खारिज करने की मांग करते हुए कहा है कि इसके लिए दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने RTI कानून में सरकार के संशोधन के प्रयासों की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार की मंशा RTI को कमजोर करने की है और इसके लिए वह अपनी बहुमत का इस्तेमाल कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा एवं अन्य मूलभूत पर्यटक सुविधाओं संबंधी परियोजना के साथ साथ क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करे प्रशासन। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।